तो हेलो गेमर, इट इज़ मी सेल्जो और GTA 5 के एक और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल भाई यहाँ पर सुबह हो चुकी है और आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर माइकल ने रेसिंग वाली ड्रेस क्यों पा रखी है। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो आज के दिन हम काफ़ी कुछ नया करने वाले हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊँगा धीरे धीरे कि हम यहाँ पर क्या कुछ नया करने वाले। फिलहाल चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी थी उनको मैं थोड़ा बता दूँ कि यहाँ पर भाई चल क्या रहा है। तो पुरानी वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पर हमने एक नया शोरूम बाय करा है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी बढ़िया भी है, काफ़ी खुला डुला है। लेकिन भाई अभी तक यार वो जो शोरूम है ना, अभी भी इनकम्प्लीट है। हालांकि वहाँ पर मैंने वर्कर वगैरह हायर करे हुए, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो एक या दो दिन में जो हमारा नया शोरूम है वो भी बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा था, यहाँ पर हमने पंगा ले लिया था गोस्ट गैंग वालों से और उनके पास जितनी भी बाइकें थी ना वो सब हम लेके आ गए थे अपने नए शोरूम में और उनको भाई हम बेचने के लिए भाई लगा दिया था उन बाइकों को, ठीक है। तो फिलहाल भाई आज हम यहाँ पर क्या करने वाले, सबसे पहले तो जाएंगे भाई हम अपने पुराने शोरूम में, क्योंकि वहाँ पर हमने देखना है कि हमारे वर्कर वगैरह आए कि नहीं आए, उन्होंने काम शुरू किया कि नहीं किया। और उसके बाद भाई यहाँ पर हमें जाना है बैनी के कार शोरूम में, क्योंकि वहाँ पर ना हमारी जो लैम्बोर्गिनी सियान है उसको हमने दी हुई है, ताकि यार वो उसको थोड़ा ना मॉडिफाई कर सके, क्योंकि आज हमने यहाँ पर लगानी रेस। और रेस भी कोई छोटी मोटी रेस नहीं है भाई, रेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और उसके पैसे भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो फिलहाल भाई मैं सोच रहा हूँ हम कौन सी गाड़ी से जाए अपने कार शोरूम। एक काम करते ये ले जाते भाई, इसकी शाइनिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गोल्ड ना सही तो क्या हुआ, हम क्रोम गाड़ी ले जाएंगे। फिलहाल धूप भी काफ़ी ज़्यादा है तो ये और ज़्यादा शाइन करेगी, ठीक है। तो बैठते अपनी गाड़ी में और स्टार्ट करते इसको। ओ भाई साहब, इसकी आवाज़ सुनो यार, कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और उसकी लाइटें देखो भाई, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। फिलहाल इसको थोड़ा बाहर की तरफ लेके चलते हैं। ओ भाई साहब, इसकी शाइनिंग देखो यार, आप इसको देख के भाई कौन सा बंदा अट्रैक्ट नहीं होगा यार। देखो भाई, इतनी ज़्यादा शाइनिंग वाली गाड़ी अगर आप रोड पे देखोगे ना तो आप भाई खुद ही उसकी तरफ खींचे चले आओगे। देख रहे हो भाई साहब, कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। फिलहाल भाई ये गाड़ी से मुझे एक और एक बात याद आई कि यहाँ पर जो हमने लैम्बोर्गिनी दे रखी है बैनी को मॉडिफाई होने के लिए, भाई उसको पता नहीं उसने किस तरीके से मॉडिफाई किया होगा। हालांकि मैंने उसको ज़्यादा मॉडिफाई करने को नहीं बोला, मैंने उसको थोड़ा ना टायर वगैरह चेंज कर लिए, ताकि यार वो गाड़ी ना ज़्यादा स्लिप ना हो, क्योंकि आज हम उससे लगाने वाले रेस। और आपको पता ही है भाई, रेस में यार आपको ना थोड़ी ग्रिप टाइट चाहिए होती है, ताकि आपकी गाड़ी ना ज़्यादा स्लिप वगैरह ना करे। इसलिए यहाँ पर मैंने बैनी को भाई सबसे पहले एक ही चीज़ बोला कि यार जो हमारी लैम्बोर्गिनी सियान है ना, उसके एक तो भाई इंजन अपग्रेड कर दें, ताकि यार वो रेस एकदम फटाफट से पकड़े, और साथ ही साथ भाई ब्रेक भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर दें, ताकि जब मुझे भाई उसमें ब्रेक लगानी हो ना तो वो साथ के साथ रुक जाए, ठीक है। और उसकी ग्रिप वगैरह बढ़ाने के लिए थोड़े से टायर भी ना खतरनाक वाले डाल दे, ताकि उसकी ग्रिप ज़्यादा तेज हो जाए, वो ज़्यादा ना फिसले ना, ठीक है। और बातों में हम पहुंच चुके हैं अपने कार शोरूम की तरफ। खैर, कार शोरूम से मुझे एक और एक बात याद आई कि अंदर की तरफ मैंने भाई कुछ नई गाड़ियां लेके रखी हुई है, जो आपका भाई होश उड़ा देगी कि कौन सी गाड़ी मैं लेके आया हूँ। और साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें भी मैंने करी है, वो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। लेकिन वो देखने के बाद ना भाई साहब आपके होश उड़ जाएंगे कि यहाँ पर माइकल ने ये चीज़ कैसे कर दी। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं वेस्ट करूँगा, फटाफट से चल दे अंदर की तरफ और दिखाता हूँ आपको यहाँ पर मैंने क्या नया करा है और कौन सी नई गाड़ी मैं लेके आया हूँ। तो भाई साहब आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास एक नहीं दो नहीं तीन गोल्ड कार्स है, और ये तीनों की तीनों ना भाई काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो फिलहाल भाई यहाँ पर मैं बुगाटी विजन लेके आया हूँ, वो भी गोल्ड में। और हाँ, ये एक नहीं है, ये मैं दो लेके आया हूँ। एक मैंने भाई अपने नए शोरूम में रखी है और एक मैंने पुराने शोरूम में रखे, जो कि आपके सामने। भाई साहब इसकी लुक देखो, कितनी ज़्यादा ओपी लग रही है। फिलहाल भाई यहाँ पर मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पर ना मैं जो रोटेटिंग सिस्टम है ये रोल्स रॉय के नीचे भी रख दूँ, ताकि मेरी जो रोल्स रॉय गाड़ियाँ हैं ना वो भी ऐसे रोटेट करे, ठीक है। तो ये सब हम बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ पर लाइट की भी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पर लाइटें वगैरह थोड़ी लगा दूँ, ताकि मेरी गाड़ियाँ ना और ज़्यादा शाइन करे।
तो वो सब हम बाद में करेंगे, फिलहाल चलते बाहर की तरफ। और भाई साहब यहाँ पर देख रहे हो कितने ज़्यादा हमें ऑर्डर आ रहे हैं बाइकों के, गाड़ियों के, तो ये सब के सब हम डिलीवरी करेंगे उनके क्लाइंट के पास और इनसे हमें मिलेगा काफ़ी ज़्यादा पैसा। और साथ ही साथ भाई यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा नया कार शोरूम है ना, वहाँ पर भी हम कुछ गाड़ियाँ वगैरह डिलीवरी कर दें। और बाइक के तो भाई वहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी कर चुके, तो वहाँ पर हमें खाली अब कारों की डिलीवरी करनी है। खैर भाई यहाँ पर आज हमें 7 से 8 रोल्स रॉयस गाड़ियों का ऑर्डर आया था जो कि रेडी हो चुके जाने के लिए, तो ये भी आज के आज हमें डिलीवरी करनी होगी। और साथ ही भाई ये जितनी भी बाइक है ना, ये सब हम डिलीवरी करने वाले। खैर अभी फिलहाल हम जाएंगे अपने मैनेजर के पास और उससे थोड़ी बातें शातें करेंगे कि हमारा कार शोरूम किस तरीके से चल रहा है। और साथ ही साथ भाई यहाँ पर मुझे उनसे लेना है पूरे $1 मिलियन, और वो इसलिए लेना है क्योंकि यार यहाँ पर आज हम रेस लगाने वाले हैं और रेस की जो एंट्री फीस है वो $1 मिलियन है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सब हम उनसे ले लेंगे। एक मिनट भाई साहब यहाँ पर ये बंदा देखो भाई कैसे बैठा हुआ है, देख रहे हो भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई ये इसके बाप का कार शोरूम है, इस तरह बैठा हुआ है। अरे भाई ठीक ढंग से बैठ जा तू, हाँ ये हुई ना बात, इस तरीके से बैठेगा तो लगेगा कि हमारा क्लाइंट है, पहले की तरह बैठा तो ऐसा था जैसे कि भाई इसके बाप का शोरूम है। चलो कोई बात नहीं भाई, अब हम चलते हैं मैनेजर से और इससे बातचीत कर लेते हैं और साथ ही साथ भाई इससे पैसे भी ले लेते हैं यार, जो हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट गाइस भाई यहाँ पर मेरी मैनेजर से बात हो चुकी है, रोज़ की तरह हमारा कार शोरूम काफ़ी बढ़िया चल रहा है और साथ ही साथ भाई मैंने ले लिया यहाँ पर $1 मिलियन और ये सब का सब हम लगाने वाले रेस में। और अगर भाई सब हम जीत जाएंगे ना तो हमें मिलेंगे यहाँ पर $5 मिलियन जो कि काफ़ी ज़्यादा भाई। और अगर हम जीत जाएंगे ना भाई, वो सब पैसा मैं लगाऊंगा अपने नए कार शोरूम में, क्योंकि आपको पता ही होगा जो हमारा नया कार शोरूम है अभी भी वो इनकम्प्लीट है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह करवानी है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे, कुछ गाड़ियाँ मंगानी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे। और मैं सोच रहा भाई वहाँ पर ना कुछ नई चीज़ें भी लगाए, जैसे कि यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर कह रहे थे कि हमें हमारे कार शोरूम में कार वॉश भी रखना चाहिए ताकि वहाँ पर भाई लोग अपनी गाड़ियाँ भी वॉश करवा सके, तो ये सब चीज़ करने के लिए हमें चाहिए ढेर सारे पैसे। और हाँ पैसों से मुझे एक बात और याद आई कि यहाँ पर थोड़े पैसे भाई हमें बैनी को भी देने, क्योंकि उसको मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी सियान दी हुई है ताकि वो उसे थोड़ा मॉडिफाई कर सके। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपनी जो लैम्बोर्गिनी है ना उसके जो टायर वगैरह चेंज करवा लिए, उसमें मैंने देखो भाई ये ना ऑफ रोड वाले टायर डलवा लिए, जैसे कि ये वाली गाड़ियाँ देखो जो मेरी सुपर कार है इन सब में ना फ्लैट टायर होते हैं और इनकी ग्रिप ना कुछ खास नहीं होती, मतलब इनसे लुक तो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है लेकिन इससे ना ग्रिप थोड़ी कम हो जाती है। और यहाँ पर मैंने ग्रिप को थोड़ा हाई करने के लिए अभी के लिए फ़िलहाल भाई उसके टायर चेंज करवा लिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम जाने वाले बैनी के गराज की तरफ और देखते हैं भाई यहाँ पर उसने हमारी लैम्बोर्गिनी को कितना ज़्यादा मॉडिफाई करवा लिया है और उसे कितने पैसे देने। और मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर कुछ पैसे मेरे पहले के भी पेंडिंग है जो मैंने उसको दिए नहीं थे, मतलब यार मैं उसको ज़्यादा पैसे देता नहीं हूँ, वो जितना मांगता है बस मैं उसको देता हूँ, एक ही बार में देता हूँ, मैं बार बार उसे पैसे नहीं देता। और अभी फ़िलहाल हम उसी के कार शोरूम में जा रहे हैं और देखते भाई यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो ठीक है गाइस भाई यहाँ पर हम पहुँचने वाले अपने बैनी के कार शोरूम की तरफ और भाई साहब यहाँ पर मैं ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि मॉडिफिकेशन के बाद मेरी जो लैम्बोर्गिनी है वो किस तरह की लगती है। तो एक काम करते हैं पहले अपनी इस गाड़ी को, ओ भाई साहब देख रहे हो इसके टायर चेंज होने के बाद कितनी ज़्यादा ओपी लग रही है। एक मिनट भाई मैं पहले साइड में इसको खड़ा देता हूँ। ओ भाई साहब देख रहे हो ना गाड़ी कितनी ज़्यादा मेरे को पसंद आई है, वैसे आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। देख रहे हो भाई साहब इसके टायर मैंने चेंज करवा लिए, भाई साहब इसकी ग्रिप देखना अब कितनी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। और इस गाड़ी के लिए भाई ग्रिप को बढ़ाना ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इस गाड़ी की यार स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है लेकिन क्या है कि यार जो वो पुराने टायर है ना उससे गाड़ी ना काफ़ी जल्दी स्लिप हो जाती थी, लेकिन अब ये जो मैंने नए टायर लगाए ना भाई साहब इससे गाड़ी ना एक ही जगह में चिपकी रहेगी, मतलब रोड से चिपकी रहेगी, आप जितनी मर्जी तेज़ चलाओ गाड़ी ना बिल्कुल भी डिसबैलेंस वगैरह नहीं होगी। तो फिलहाल भाई काम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करा है और बैनी को पैसे वैसे भी दे देते हैं, काफ़ी टाइम से इसको मैंने पैसे नहीं दिए तो अपना भाई पुराना हिसाब पूरा कर लेते हैं।
तो ठीक है गाइस भाई, यहाँ पर मेरी बहनी से बात हो चुकी है और यहाँ पर मैंने इसको कुछ पैसे तो दे दिए। हालांकि अभी भी भाई मेरे ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा उधार चढ़ा हुआ है, वो सब हम बाद में देंगे। कम से कम अभी ना $50,000 का भी हम पे किराया चढ़ा हुआ है, तो वो सब हम बाद में देंगे। अभी तो फिलहाल फोकस करते हैं अपनी रेस में और अपनी ये खतरनाक गाड़ी में। खैर भाई, इसके इंजन विंजन की भी पावर मैंने बढ़ाई थी। ओ भाई साहब, आवाज़ सुनो उसकी, पहले से कितनी ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है। देख लो भाई, अब बताओ हम नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा भाई साहब? अब तो हम ही जीतने वाले, क्योंकि पहले इसमें बस एक ही प्रॉब्लम थी कि अगर मैं इसको ज़्यादा तेज चलाता हूँ ना भाई साहब, तो इसको हैंडल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब देखो भाई साहब, इसके टायर इतने ज़्यादा ज़बरदस्त है ना कि अब ये इजीली फिसलेगी नहीं। देख लो भाई कितनी ज़्यादा भाई खतरनाक लग रही है। खैर अभी फिलहाल अभी हमें जाना है, मेरे ख्याल से अपने नए शोरूम में जाना था, मैं भूल ही गया भाई। अभी हमारी रेस स्टार्ट नहीं हुई है, अभी हमारे पास यहाँ पर कम से कम 3 से 4 घंटे बचे हुए, तो इतना भाई यहाँ पर हम जाते अपने नए कार शोरूम की तरफ और देखते भाई वहाँ पर कितना काम हो चुका है। फिलहाल भाई वहाँ पर मेरे ख्याल से 80% काम तो ख़त्म हो चुका है, बस 20% काम रहता है। और वहाँ पर हमें कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी लेके आनी है यार। मेन चीज़ तो यही है कि अभी जो हमारा नया कार शोरूम है ना भाई साहब, वो पूरा ना खाली खाली सा है, तो उसको भरने के लिए हमें चाहिए ढेर सारी गाड़ियाँ। इसका मतलब भाई हमें यहाँ पर ना ढेर सारी लग्जरी गाड़ियों को चुराना होगा, ताकि उन सबको हम बेच सके अपने नए कार शोरूम में। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी गाड़ियाँ तो मैं नहीं खरीदने वाला हूँ। एक मिनट भाई साहब, अभी तक इन्होंने गाड़ी की डिलीवरी नहीं करी क्या? लगता वर्करों को बताना पड़ेगा कि भाई काम फटाफट करो, तभी तुमको दाम मिलेगा। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं अपने नए कार शोरूम की तरफ और देखेंगे भाई वो किस तरीके का तैयार हो चुका है। वैसे काफ़ी हद तक तो मुझे पसंद आया है, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ नई चीज़ें भी लगानी है, जैसे कि वहाँ पर हमने एक कार वॉश के लिए सेक्शन बनाना है। और दूसरा भाई मैं सोच रहा हूँ ना, जो हमारा रूफ है ना, उसको भी हम यूज़ करें। मतलब भाई मैं सोच रहा हूँ ऊपर, एक मिनट भाई साहब साइड तो हट जाओ, इतना हॉर्न मार रहा हूँ इसको, देखो भाई भैंस के यहाँ, तुझे थोड़ा सबक सिखाता हूँ यार। मेरी गाड़ी को देख के भी साइड नहीं हो रहा ये, अब शायद साइड हो जाएगा। खैर अब तो बचेगा नहीं। और मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा था, हाँ मैं यहाँ पर कह रहा था कि जो हमारी रूफ है ना, उसको मैं सोच रहा हूँ कि यूज़ करूँ, कि वहाँ पर भी हमारे कस्टमर वगैरह आ सके और गाड़ी या बाइक वगैरह देख सके। ठीक है, क्योंकि नीचे का सेक्शन तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा खुला है, लेकिन कुछ टाइम बाद ना वो भी काफ़ी ज़्यादा भर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लेके आएंगे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ शाड़ियाँ, तो यहाँ पर हमें जगह की कमी पड़ सकती है। इसलिए भाई मैं सोच रहा हूँ हमारी जो छत है उसमें भी हम यार कुछ सामान वगैरह रख सके और वहाँ पर भी कस्टमर आके ना गाड़ियाँ बाइकें ले सके। ठीक है, तो ये पहुँच चुके हम अपने नए कार शोरूम की तरफ। और भाई साहब अगर आप मेरे साइड में देखोगे तो यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा बाइकें की हमने रेल लगा दी है। और यहाँ पर मैं बाइक के पहले लेके आ गया था, क्योंकि इनको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना ना काफ़ी ज़्यादा आसान है। एक बार में हम कम से कम 20 या 25 बाइक तो लेके आ ही जाते हैं, तो यहाँ पर बाइकों को ट्रांसफ़र करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इन गाड़ियों की, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। खैर भाई अभी देखो यहाँ पर हमने 2 गाड़ियाँ रखी है, और दोनों की दोनों ना काफ़ी ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ हैं। एक हमारी रोल्स रॉयस गोल्ड में और दूसरी हमारी बुगाटी विजन, वो भी गोल्ड में। तो भाई साहब इन्हें देख के ना हर कोई कस्टमर आना चाहेगा। एक मिनट भाई साहब, मुझे ही पुलिस का सायरन सुनाई दिया। एक मिनट, कहीं अंदर की तरफ तो नहीं आ रहे? अभी मैंने जिस बंदे को मारा उसको देखने जा रहे मेरे ख्याल से ये लोग। खैर हमें फटाफट से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन निकलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमारे कार शोरूम में चल क्या रहा है। तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर 2 गाड़ियों को लेके आए, जिनमें से एक तो रोल्स रॉयस है और दूसरी हमारी बुगाटी विजन है। और भाई साहब ये दोनों की दोनों गाड़ियाँ ना काफ़ी ज़्यादा लग्जरी और एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं। इन्हें देखने भाई यहाँ पर VIP लोग ही आएंगे, और जितने ज़्यादा VIP लोग हमारे यहाँ पर आएंगे उतनी ज़्यादा हमारी कमाई होगी। और ये वाला सेक्शन तो आपको पता ही है, यहाँ पर भाई हम जो एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर मौसम मुझे थोड़ा ना बारिश टाइप का लग रहा है कि यहाँ पर बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। तो हमें फटाफट से जाना पड़ेगा अपने रेस की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भाई रेस स्टार्ट होने का टाइम भी आ चुका है। खैर भाई ये वाला एरिया तो आपको पता ही है, यहाँ पर हम गाड़ियों को भाई ठीक वगैरह करेंगे, मॉडिफाई भी करेंगे। और ये वाला जो एरिया है,
मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं वॉशिंग एरिया बनाऊँ, लेकिन हमारा जो वर्कर है वो कह रहा है कि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इतने एरिया में हम ना वॉशिंग एरिया नहीं बना सकते। तो देखते भाई, यहाँ पर हम थोड़ी कोशिश करेंगे, थोड़ा उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हो सकता है तो बना दे, लेकिन उसने मना कर दिया था वैसे पहले ही कि जगह काफ़ी ज़्यादा छोटी है, यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह ना साफ़ सफाई आप नहीं कर सकते, तो शायद से वो चीज़ हम ना बनाएं, लेकिन कोशिश तो मैं पूरी करूँगा। और अभी फ़िलहाल भाई यहाँ पर हमें जाना चाहिए अपने रेस ट्रैक में, क्योंकि यहाँ पर मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है और भाई रेस से हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाना है, और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल रही है कि यहाँ पर हम एक ही बार में $5 मिलियन कमा सकते हैं। वैसे अगर ऐसे में 10-20 रेस लगा लूँ ना तो भाई साहब हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। अगर मैं 10 की 10 रेस जीत जाऊँ तो मेरे को यहाँ पर मिलेंगे $50 मिलियन। ओ भाई साहब, ये काफ़ी ज़्यादा पैसे, और इतने पैसे से तो भाई हम यहाँ पर काफ़ी कुछ ले सकते हैं। वैसे पैसे से मुझे एक और एक बात याद आई, मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पर मैं कसिनो ना ले लूँ, लेकिन कसिनो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना जब मेरे पास ढेर सारे पैसे होंगे ना तब भाई यहाँ पर मैं कसिनो भी बाय कर लूँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कमाई है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं अपने रेस ट्रैक की तरफ, बाकी की बातें हम वहीं पर करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने रेस ट्रैक की तरफ, और एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसी यूनिक गाड़ियाँ देखने को मिलेगी ना जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखी होगी, क्योंकि ऐसे जो इवेंट होते हैं ना भाई साहब, वहाँ पर आपको ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिलेगी जो आपने आमतौर पर कभी देखी नहीं होगी। तो चलो जाके देखते भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर होगी, और अगर भाई मुझे कोई गाड़ी पसंद आ गई ना तो भाई साहब मैं उस बंदे का पता लगाऊंगा और उसके बाद उस गाड़ी को चुरा के ले जाऊंगा। खैर ये सब तो मैं मजाक कर रहा था, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी ख़तरनाक गैंग से रिलेट करते हैं। और भाई साहब यहाँ का माहौल देखो भाई साहब, कितना चिल माहौल है, हर कोई भाई यहाँ पर एकदम ही अपनी गाड़ी साड़ी लेके आया है, हर किसी को लगता है कि एक मिनट भाई साहब इतने ज़्यादा पैसे। और ये सब का सब मेरे ख्याल से पैसा हम जीतने वाले, क्योंकि आपको तो पता ही है रेस यहाँ पर कौन जीतने वाला, ठीक है, तो सारे के सारे पैसे हम जीत जाएंगे। लेकिन उससे पहले तो भाई मैं आपको यहाँ पर गाड़ी दिखाता हूँ, ये वाली गाड़ी देखो भाई साहब कितनी ज़्यादा ओपी लग रही है, मेरे ख्याल से फुल बुलेट प्रूफ है ये। और एक मिनट यार, ऐसी गाड़ी मेरे पास भी है, ओ भाई ये तो लैम्बोर्गिनी नहीं है क्या भाई, ये लैम्बोर्गिनी है और ये अलग ही रंग की करवा रखी है बंदे ने। और भाई साहब यहाँ पर तो कुछ गाड़ियाँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे खतरनाक लग रही है, जैसे कि ये दो गाड़ियाँ काफ़ी यूनिक लग रही है। ओ भाई साहब इस गाड़ी का एग्जॉस्ट देखो भाई, इसने तो भाई अपनी गाड़ी में रॉकेट का इंजन फिट कर दिया है, ये तो भाई साहब बहुत तेज भागेगी। अगर ये रेस ट्रैक में आई ना तो भाई साहब मेरे को तो लगता है हमारा पत्ता कट। एक मिनट यार इसकी लुक देखो कितनी ज़्यादा ओपी है, एक मिनट यार इसकी लुक तो ओपी है ही है, साथ ही साथ इसका इंटीरियर देखो भाई साहब कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है। एक मिनट, ओ भाई साहब इसने तो भाई नॉस भी फिट करवा के रखा अपनी गाड़ी में, मतलब भाई इसकी गाड़ी तो हवा से बात करेगी। इससे भाई हमें एक चीज़ साफ साफ पता लगती है कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ रेस ट्रैक में दौड़ने वाली है ना, वो कोई आम गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। खैर हमारे पास भी कोई आम गाड़ी नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलती है, लेकिन भाई साहब इस पे आप यार पेंट देखो कितना बढ़िया कर रखा है, प्रिंटेड पेंट है भाई साहब। ऐसा कुछ पेंट अगर मेरे को मिल जाए ना अपनी गाड़ी में लगाने को तो मैं तो ज़रूर कराऊँगा। खैर अभी तो भाई हमारी जो रेस स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि रेस हम ही जीतने वाले, ये सारा का सारा पैसा हम अपने साथ ले जाने वाले। खैर सबसे पहले तो भाई ये जो अपना बैग है यहाँ पर हमें जमा कराना पड़ेगा, और उसके बाद हम रेस में हिस्सा ले सकते हैं। तो फटाफट से अपना जो बैग है उसको यहाँ पर जमा कराते हैं और चलते हैं रेस की तरफ, और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है फैसला, हम जीतते या फिर हारते। ऑलराइट गाइस, भाई यहाँ पर हमारी रेस स्टार्ट होने वाली है, और भाई साहब देखते क्या होता है। तो फिलहाल तो भाई सामने की तरफ तो पहले काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है। खैर अभी हम, ओ भाई साहब देख रहे हो भाई यहाँ पर सबकी सब गाड़ियों में नेट्रो लगा हुआ है, और भाई वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हो कितने ज़्यादा तेज वो भाग रहे हैं। खैर हमसे ज़्यादा तेज़ तो वो भाग नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारी गाड़ी की स्पीड मैंने कम करके रखी हुई है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ भाई ये लोग कितना ज़्यादा तेज भगाते हैं।
खैर ये लाल वाला कुछ ज़्यादा ही बूस्ट वगैरह मार रहा है, मैं सोच रहा हूँ ना इसको मैं गेम से ही बाहर कर देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा ठक्कर वक्कर मार के सोच रहा हूँ डैमेज कर दूँ ताकि ये आगे की रेस कंप्लीट ना कर पाए, तो इससे हमें जीतने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। खैर एक के तो पीछे छोड़ दिया हमने, लेकिन जो एक मिनट भाई हमारे पीछे पुलिस नहीं लग गई क्या? मुझे लगा भाई हमारे पीछे पुलिस लग चुकी है। और अरे यार उस गाड़ी के चक्कर में हमारी गाड़ी खुद पलटते पलटते बच गई। खैर अभी फिलहाल हम यहाँ पर सबसे आगे और अभी फिलहाल हमारा जो रैंक है नंबर 1 पे चल रहा है, ये अभी पहला लैप है और अभी हम यहाँ पर थोड़ा स्लो चलेंगे, लेकिन दूसरे लैप में ना भाई साहब हम तबाही मचाने वाले, बिल्कुल गाड़ी को एकदम तेज भगाने वाले। तो फिलहाल भाई ये वाला बंदा अभी तक गेम से बाहर नहीं हुआ, नहीं ये वाले को मैंने बाहर नहीं, ओ ये वाला, ओ भाई साहब यहाँ पर तो सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए, एक दूसरे को भाई मारने पीटने में लगे हुए हैं। खैर यहाँ पर हमारा काम यही है कि हमने कुछ जो रेसर है ना उनको गेम से बाहर निकालना है ताकि यार वो रेस कर ही ना पाए। जब ये रेस में होंगे नहीं तो हमको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, हम बिना कुछ करे जीत जाएंगे। एक मिनट भाई साहब ये जो बंदा है ना काफ़ी ज़्यादा अपने आपको चलाक समझ रहा है, ये भी लोगों को गेम से बाहर कर रहा है। एक मिनट यार मैं चाहता हूँ ना मैं किसी बंदे को ना खुद से बाहर निकालूँ, तब जाके मज़ा आएगा। वैसे भाई ये गेम को मैं बहुत ही आसानी से जीत सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी रेसर आ रखे हैं ना वो सबके सब बेवकूफ़ है। उन्होंने भाई अपनी गाड़ी में नोस वगैरह तो लगा लिया, लेकिन उन बेवकूफ़ को इतना नहीं पता कि भाई नोस लगाने के बाद आपकी गाड़ी जब बहुत ज़्यादा तेज भागेगी ना तो भाई साहब आपसे वो हैंडल तक नहीं होगी। इसलिए भाई यहाँ पर मेरे को इतना था कि यार यहाँ पर मेरी जो गाड़ी है उसकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ग्रिप उसकी खास नहीं है, तो अगर मैं इसको तेज भगा भी लूँगा ना तब भी मैं इसको संभाल नहीं पाऊँगा। इसलिए स्पेशली यार इसके मैंने जो टायर वो चेंज करवाए थे ताकि हमारी ग्रिप एकदम पक्की रहे, हम जितनी मर्जी तेज गाड़ी को भगाए गाड़ी हमारी ना स्लिप ना करे। और वो लोग बेवकूफ़ लोग हैं, उन्होंने भाई अपनी गाड़ी को, ओ भाई अभी तो हम मरते मरते बचते, अब उन लोगों ने क्या बेवकूफ़ी कर दी भाई, उन्होंने अपनी गाड़ी में नोस वगैरह लगा लिया है कि गाड़ी को हम एकदम तेज भगाएंगे, लेकिन भाई साहब जब वो गाड़ी को तेज भगाते हैं ना उनसे गाड़ी हैंडल ही नहीं होती। और यही एक रीज़न है कि वो मेरे आसपास भी नहीं आ रहे क्योंकि हमारी गाड़ी को हम जितने मर्जी तेज भगा सकते हैं हम इसको इजीली हैंडल कर लेंगे, लेकिन जब वो तेज भगाते अपनी गाड़ी को उनसे गाड़ी हैंडल तक नहीं होती है। देख लो भाई मेरे आसपास कोई भी नहीं है, कोई बंदा नहीं है हमारे आसपास। खैर हमारा भाई सेकंड लैप शुरू हो चुका है और अभी फिलहाल हम नंबर 1 पे चल रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम से। और मुझे लगता है भाई यहाँ पर मुझे कोई हरा भी पाएगा क्योंकि मैं उन बेवकूफ़ जैसा नहीं हूँ जैसे कि उन सब ने गलती करी है। गाड़ी को तो भाई एकदम उन्होंने तेज करवा लिया लेकिन ग्रिप उसकी एकदम ही खस्ता कर रखी है, जब भी वो गाड़ी को तेज भगाते हैं उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होती है और अगर वो ज़्यादा तेज भगाएंगे ना अपनी गाड़ी को तो भाई साहब उनका एक्सीडेंट भी हो जाएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। और भाई यहाँ पर मैंने यही समझदारी दिखाई कि मेरे को पता था भाई हमारी ये जो लैम्बोर्गिनी सियान है ना इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, हमें बस फोकस करना है इसकी ग्रिप में ताकि ज़्यादा ये स्लिप वगैरह ना हो। तो यहाँ पर भाई मैंने सही सा दिमाग लगा लिया और ये रेस हम बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। तो कह सकते हैं भाई यहाँ पर $50 मिलियन हमको बैठे बिठाए मिल गए, ज़्यादा हमको भाई यहाँ पर जद्दोजहद तो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी। खैर यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारे पास 6-7 वे पॉइंट रहते और वो सब कंप्लीट करने के बाद ना हम यहाँ पर रेस को जीत जाएंगे। फिलहाल भाई मेरे को लगता है मेरे को ऐसी रेस 10-12 और कर लेनी चाहिए ताकि भाई यहाँ पर हमको ना बैठे बिठाए $50 मिलियन मिल जाए। और ये काफ़ी आसान है भाई, यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा ना अपने गाड़ी में फोकस करना है कि यहाँ पर आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, आप बस उसी को डेवलप करो। आप बस ये मत सोचो कि रेस है तो बस खाली रेस इसकी बढ़ा दो तो आप रेस को जीत जाओगे, नहीं भाई साहब आपको रेस के साथ साथ ना अपनी गाड़ी का भी ध्यान करना है कि उसकी ग्रिप कितनी ज़्यादा तेज है भाई, उसकी ब्रेक वगैरह कैसी है, इंजन वगैरह कैसा है, सब चीज़ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपके लिए कोई भी रेस जीतना बच्चों की बात होगी। खैर यहाँ पर हमारे छोटे मोटे नहीं थोड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम अलग ही एंगल से खेल रहे हैं, इससे आप एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर मैं कितना बेखौफ होकर खेल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है भाई जीतना तो सिर्फ मेरे को ही है क्योंकि उनसे मैं ना बहुत ज़्यादा आ चुका हूँ। अब मैं अगर चाहूँ तो अपना तीसरा लैप भी कर लूँगा ना तब भी वो लोग मेरे से जीत नहीं पाएंगे। और यहाँ पर मेरे ख्याल से हमने अपने सारे के सारे वे पॉइंट कम्प्लीट नहीं करे क्या? एक मिनट भाई मेरे ख्याल से लास्ट वे पॉइंट रहता है,
और नहीं लास्ट नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ पर दो तीन और वे पॉइंट बचे हुए और ये सब कम। नहीं, मेरे को लगा भाई लास्ट टाइम पे कहीं हम गिर ना जाए। खैर यहाँ पर हमने रिकवर कर लिया, तो ये लास्ट का वे पॉइंट है और इसके बाद हम यहाँ पर जीत जाएंगे पूरे के पूरे $5 मिलियन। और मेरे ख्याल से हम जीत चुके हैं, नहीं अभी भी नहीं जीते। मेरे ख्याल से ये वाला लास्ट वे पॉइंट है, हाँ ये वाला लास्ट वे पॉइंट था और यहाँ पर हम भाई जीत चुके अपने पूरे के पूरे $5 मिलियन। भाई साहब ये तो बैठे बिठाए हमको $5 मिलियन मिल गए। हाँ यहाँ पर थोड़ी बहुत हमारी गाड़ी की हालत ख़राब हो गई है, लेकिन इतनी भी नहीं हुई कि इसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे। बहुत ही हल्का सा यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो रिपेयर करने में इसे ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। फिलहाल भाई यहाँ पर हम जीत चुके $5 मिलियन और मेरे ख्याल से उनको भाई मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना था और अभी तक हाँ आ गया भाई आ गया। मैं तो डर ही गया था कि उन्होंने भाई पैसे अभी तक हमें ट्रांसफ़र क्यों नहीं करे। तो यहाँ पर भाई हमको $5 मिलियन मिल चुके और ये काफ़ी ज़्यादा है भाई साहब, बिना कुछ करे $5 मिलियन मिल गया तो काफ़ी फायदे का सौदा है। मेरे को लगा था भाई रेस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी, लेकिन ये एकदम ही सिम एक मिनट पुलिस वाले तो नहीं आ रहे? नहीं 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 मेरे पीछे नहीं है। मेरे को जब भी पुलिस वाले की सायरन सुनाई देता है ना, मेरे को लगता है मेरे को पकड़ने के लिए आ चुके। खैर आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, काफ़ी हमने हंगामा कर दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना आप ख्याल रखिए। बाय बाय।